एक हैवान पति अपने पत्नी का दो मासूम बच्चों के सामने उस दोनों मासूम बच्चों की माँ का गर्दन चाकू से तब तक काटता रहा जब तक कि सिर को धड़ से अलग नहीं कर दिया। ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी तो उस पति को अपने पत्नी का बेरहमी से जान लेना पड़ा। तो दोस्तों पूरा घटना कहाँ का है और ये घटना आपको एकदम झकझोर के रख देगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दोस्तों सभी को बता दे, झारखंड के गुमला घाघरा थाना क्षेत्र के टंगर शिवपुर सेमर टोली के रहने वाले जावा जिस व्यक्ति ने अपने पत्नी की बेरहमी से चाकू से कत्ल कर दिया। आप सभी को बता दे कि आए दिन पति और पत्नी में झगड़े होते रहते थे। जैसे उस व्यक्ति को अपने पत्नी के ऊपर शक था कि गांव के किसी व्यक्ति के साथ अवैध संबंध है और इस शक में आकर उस व्यक्ति ने अपने पत्नी की बेरहमी से चाकुओं से दोनों बच्चों के सामने सिर को धड़ से अलग कर दिया। आप सभी को बता दे, बिरसा देवी अपने दोनों बच्चों के साथ सोई हुई थी, तभी अचानक पति आकर चाकुओं से धड़ाधड़ हमला करने लगा और जब बिरसा देवी चिल्लाई तो सो रहे दो बच्चे अपने दादी के साथ जग गए और बेरहम पति ने अपने दोनों बच्चों के सामने उस माँ की जान ले ली और थोड़ा भी रहम नहीं खाया और धड़ से सिर को अलग कर दिया। देखिए, जिस व्यक्ति ने अपने पत्नी की बेरहमी से जान ले ली, पकड़े जाने के डर से अपने शरीर पर किरोसिन छिड़क कर आग लगा लिया और वही पड़ोसियों ने देखा तो आग को बुझाया और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंच घाघरा थाने क्षेत्र की पुलिस ने जले हुए व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट कराया और पुलिस कस्टडी में उसकी देखरेख हो रही है। मृतक पत्नी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि मरने वाली महिला के 6 बेटे थे, 4 बेटे गांव के शादी में गए थे और 2 बेटे अपने घर पे ही मां के साथ थे। तो दोस्तों जिस बेरहम पति ने अपनी पत्नी की बेरहमी से जान ले ली, क्या उसको ऐसा करते समय थोड़ा भी अपनी पत्नी के ऊपर दया नहीं आया या उसके हाथ नहीं कांपी या उसका दिल नहीं पिघला? तो दोस्तों क्या उसको ऐसा करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसे क्या शक के बुनियाद पे किसी का कोई जान ले सकता है? तो दोस्तों आप सभी का क्या राय है इस वीडियो के बारे में, अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।